गबीन जबा की तरफ जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे दोस्त अब्बास जी और साथ में नजम है। क्या है नजम, चढ़ाई बहुत ज्यादा यार।
अच्छा नहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अब्बास क्या हाल है? खैरियत है यार। कहाँ पे जा रहे हैं? घूमने के लिए अच्छी है। अच्छा हाइकिंग ओके हो जाएगी यहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा कर रहे हैं हाइक दिखाओ। अच्छा ये मेरे ख्याल में बुलंदी जो है वो तकरीबन 8,500 तक है, तो देखते बाकी दोस्त भी है साथ और वो मेरे ख्याल में हमसे पहले गए। बस ये रा पैदल नहीं सुखाते हैं गाड़ी ऊपर सुनो रोक पता और दायो पगंदा का सान पे के फारूक थे असद थे अब्दुल्ला थे आई के फवाद थे और बंदे ना चीज थे पके और ब्या पके बख्तियार थे बिलाल थे डाटोल पैदल लोग खत्म और साबिर से पके साबिर से नहीं ना रहो खा तो ना मेंस के वगैरह बस नॉर्मल सम खाते हो बस बैटरी में डाउन था और हवा खून का बिंजे बक यू हाँ काफी ग्रने मियां से हवा जिम में भी देर जबरदस्त जिम में फस्ता मुझे कम दिन ना चलने आने लगा कि मियां से बुझा मियां से जब हाजरे तो सलाम कुम जिम मियां से पजिक करा रहे और मुझे हम पजिक करा बस अच्छी पाउडर आइकिंग पके तसाबारु का आइकिंग पके हम इस वक्त गबीन जबा पहुंच गए हैं और गबीन जबा की टॉप पे हम मौजूद हैं और बहुत ही एडवेंचरस रास्ता था, दुश्वार गुजार था। नजम और अब्बास से इसके बारे में पूछेंगे कि रास्ता कैसा था और इनके क्या तासुरात हैं। अब्बास पहले आपसे पूछना है यार, रास्ता तो मुश्किल था लेकिन शुक्र है काफ़ी भी बस कवर कर लिया है। अच्छा और नजम जी आपको रास्ता कैसे लगा? यार बहुत डिफिकल्ट रास्ता था यार। अच्छा बहुत ज़्यादा कुछ की रास्ते में हमने वो राइडर भी ले लिया। ठीक है क्योंकि मेरे पाँव में तो ACL टियर हो गया। ठीक हमने राइडर भी लिया। अच्छा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली ऊपर आ गए। अभी थोड़ा सा रास्ता बाकी है, ऊपर जा रहे हैं। आप व्यूअर को दिखा दें। अच्छा आप ये जगह देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, गबीन जबा के नाम से मशहूर है, खैबर पख्तूनख्वा में वाकया है और घूमने फिरने के लिए और ये बहुत ही जबरदस्त जगह है जी। फारूक साहब ये जगह नहीं है, इसको हम एशियन स्विट्जरलैंड कहते हैं। अच्छा जबरदस्त दिखा दे सर। फाइनली आपने गबीन जबा के नज़ारे देखे और मैं आपको ये कहूँगा कि आप गबीन जबा ज़रूर आए
और अपने प्यारों के साथ आए. बहुत ही प्यारी जगह है, आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा. कैंपिंग के लिए भी अच्छी जगह है और फैमिली टूर के लिए भी अच्छी जगह है. आप आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी और फैमिली के साथ भी. आप अभी भी अगर आप देख लें तो बहुत ही प्यारी जगह है और सारा जो है वो ग्रीनरी है, ग्रीन फील्ड्स हैं और खूबसूरत जो है वो पहाड़ है. और आई होप कि आप इंजॉय करोगे. यहाँ पे तकरीबन बारिश शुरू हुई है और हमें काफ़ी जो है वो रास्ता तय करना है, तो हमें बस अभी जो है वो नीचे जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास फिर छतरी वगैरह का कोई इंतज़ाम भी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हम किसी खतरे में पड़ जाएं. तो चलो चलते. تاسو کیمپ کوم ځای کې لګولې ده؟ لګاغه لوکیشن راته. دا لګولې او باسو سپرورو داسې انشاءالله چروانګي کوم. Why is it so quiet?